बाफ्टा में जानलेवा बन गए रेत बजरी ढोने वाले टीपर। बैरिकेड को तोड़ता हुआ निकला टीपर, वहीं एक के ब्रेक फेल, तालाब बड़ा हादसा। रेत बजरी माफिया का आतंक पावटा साहिब रोजाना झेल रहा है। कई बार लोगों की जान जाने के बावजूद भी शासन प्रशासन सहित राजनेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला पावटा साहिब के बेहराल बेरियल के सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार से टिप्पर बैरिकेड तोड़कर भाग गया और दूसरा वहीं एक बिल्डिंग को तोड़कर सड़क से नीचे पलट गया। गुरु भूमि पावटा साहिब में पड़ोसी राज्यों से आ रहे ट्रकों की वजह से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। माइनिंग विभाग को पहले ही मलाई चाटने वालों के हौसले बुलंद कर रहा है, इन पर नकेल कसने के लिए कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला रहा है। ऐसे में तेज रफ्तार टिप्पर जनता को केवल परेशान ही कर रहा है। नवभारत समाचार, पावटा साहिब, हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। मैं बहराल टोल इंचार्ज अरुण शर्मा एक बार फिर से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बहराल टोल पर आए दिन हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कल भी 4/10/21 को एक हादसा होते होते बचा। पुलिस कर्मचारियों व हमारे टोल कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। मैं पहले भी इस बारे में सरकार को अवगत करा चुका हूँ एक पत्र के माध्यम से, एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर पिछले कुछ मोड़ों पर स्पीड ब्रेकर जल्द से जल्द ना बनाए गए तो यहाँ फिर से एक हादसा घट सकता है। और पहले भी एक होमगार्ड जवान की यहाँ पर जान जा चुकी है और उससे 3 साल पहले भी एक कार दुर्घटना में 5 से 6 लोग मारे गए। अगर सरकार इसकी ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो फिर से एक या कुछ और जाने हमें गंवानी पड़ सकती हैं। और हर समय हादसों का संकट बना हुआ है। हमारे टोल कर्मचारियों और पुलिस जवानों पर भी एक आशंका बनी रहती है कि कब कोई दुर्घटना यहाँ पर हो जाए। तो मैं सरकार को एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाए ताकि बहरहाल टोल कर्मचारियों और पुलिस जवानों की जान संकट में ना पड़े। कृपया करके सरकार इस पर कुछ अमल करे, कार्रवाई करे और जल्द से जल्द पिछले कुछ मोड़ों पर स्पीड ब्रेकर बनाने की कृपा करे। धन्यवाद।